आज हम आपका तारुफ मौसीकी के एक ऐसे आले के साथ कराते हैं जिसका नाम बिंजू है। बिंजू पाकिस्तान में बलोची और पहाड़ी इलाके के लोग बजाना और इसके सुरों से लुत्फ़अंदोज़ होना पसंद करते हैं। मैं आज आपका तारुफ एक ऐसे आदमी से कराता हूँ जहाँ पर मौसीकी का कोई रिवाज नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि शौक की कोई कीमत नहीं होती। वो सिर्फ ना इसे बनाते हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इसे बजाते भी हैं। आइए सुनते हैं इनकी ज़बानी। ये इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बिंजू, ये है बलोचिस्तान की सकाफत। अक्सर जो बलोच लोग हैं वो इसे बजाना और इसके सुरों को बजा कर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। इनको बनाने वाले कौन हैं? एक छोटे से गांव में रहने वाले और बड़ा माशाल्लाह उनके पास दिमाग है, बड़ी स्किल है और काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो जानते हैं। ये उन्होंने अपने हाथों से खुद तैयार किया है, अपने हाथों से बनाते हैं और बड़ी टेक्निक के साथ बनाते हैं। सराइकी स्पीकिंग है और बहुत अच्छे अंदाज से मैंने उनको देखा और उनका जो स्किल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आज उनके साथ आपका हम तारुफ कराते हैं। ये देखें, ये अभी जो बजा रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? उस्ताद अहमद यार इनका नाम है। और ये इन्होंने अपने हाथों से तैयार किया, ऐसे किमें तैयार किए हुए कोई इन बारे सा कोई इंट्रोडक्शन दे सो कि मैं जरा गया हां मेरे पाड़ा वाले पास है। ठीक है, ते वो जाहिर है ये उठो दी सकाफत है, ये जरा सरोज है। ठीक है, उठा मन के मैं बैठे बंदा अपने नाल जाती बधाओ मैं तुम मैं छोड़ी है बरो लो चंगा टाइम लेसी मैं को हाथी ना लावणे रहा बार की खराब थी ऐसी। अच्छा, ते नाम ल बहरहाल मैं आपको जरा गाइड की ते मुतमिन की तम बला एक रिथम चेक की तम। ठीक है, मैं उठो कने बल्लियां तो बला मैं ना शौक रख दी देखी बड़ा मन चीज है कि सारे तुम बन सकते ते आके मैं एक। अच्छा, वाल तक मतलब शौक था भाई लाज़मी तौर ते मैं एक बनावणे जिया जिया मैं बस मैं मुंड के ने बचपन के ने भी मैं जिद रखे ना कोई चीज दण भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथ दे तन अकल लेते क्यों नहीं सारे कने चीज बन सकदी। जी जी बिल्कुल, इंदे कोई शक नहीं, अल्लाह ताला अगर तकु मतलब ज़हन देते दिमाग देते जी जी था आके मैं बरहल एक दो त्राए बिन जो जरे मेरे को खराब था। अच्छा, मेरा वो जाहिर है थे के जी बिल्कुल, वो मेहनत भी थे और सारे खर्चात तो जाय थे 2000 रुपए का मेरे कने वो नुकसान थे के बरहाल मैं कोशिश की थी कि मैं बना के रखा ते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वाल इन्हें को बनावण ते ताको तकरीबन कितना अरसा लगे? कितना ते एक बिंजु बने ने मुख्तलिफ साइज हो ओ जब स देखायो ना। जी जी, ते वो इंडियन बिंजु है, बहुत बड़ा बिंजु है, उको त्री हिस्से तकसीम थिया वंदे, ए एक हिस्सा है ओ त्रै हिस्से बिंजु खड़े। अच्छा, वो मतलब इतना बड़ा है कि वो त्रै हिस्से तकसीम थिया, त्रै हिस्से जो साडे यानी गुलकार जा इको बजावण वाले जानदन ओ त्री हिस्से में वो बहुत अच्छा बिंजु है। अच्छा, ए वास्ते आन करे ए सिंगल है। ठीक है, सकू तकरीबन छोटा बिंजु बने ने होए तकरीबन महीना कने 15 नहीं 18 नहीं लगवे। अच्छा, 18 डी लग बने छोटे बिंजू ते, अगर वो वड्डा बनाओ तकरीबन दो वड्डा जले में बने ओ को तकरीबन मेरे पूरे पूरे लगे न 2 महीने। जी जी, ठीक है वाले साहब को तो सब कोई वजह ते दिखाओ भी। सराइकी सोंगे कडण वलसो सोना सा वाला, सोना सा वाला कडण वलसो सी बहुत खूबसूरत अंदाज में बता सारे गरीबन ते ओ सुर तक वजह ते दिखाने पन। ठीक है सर, मैं ए तारा नंबर जेड़ा है वो तले इंदे ते दे सा। हां हां, उस्ताद अहमद यार नहीं, उस्ताद अहमद है। उस्ताद अहमद, उस्ताद अहमद सर इने दा नाम है। जी,
ते बहुत अच्छा माशाल्लाह मैं हैरान थे इन्हें दी मतलब जहानत इन्हें दी स्किल वो आदन ना स्किल कहीं दी मोहताज कहने अल्लाह ताला अगर तक अकल दीती है तो सबको इस्तेमाल करते हो लेकिन बहुत ज्यादा फायदे खेन सकते ते बहुत जबरदस्त है बहुत खुशी थी तो सारे मतलब वसे बिच रहने एक काम करें बहुत खुशी थी ते बहुत शुक्रिया सर तेरे टाइम का थैंक यू तमाम व्यूवर्स को सारी तरफ से ये एक सारे इलाके दी मतलब एक मशहूर और सकाफत आदमी से ते ओ तक दिखेंदे पए तो तुसा इंशाल्लाह एको जरूर एंजॉय करेस ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज।